तो आज हम लोग 8 जनवरी 2020 को जो जेई मेंस का टेस्ट हुआ था उसका मॉर्निंग वाला पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें से फिजिक्स का ये पहला सवाल है। इसमें बताया गया, कंसीडर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड मास डेंसिटी रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 - r² / r². आर जो है सेंटर से डिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 0 और कैपिटल आर के बीच में है। अगर डायग्राम में देखेंगे तो एक बड़ा सा स्फेयर है जिसका रेडियस है आर, और ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से आर डिस्टेंस पर वो जो डेंसिटी दिया गया है ये डेंसिटी होगा, है ना। तो पूछा गया है द मिनिमम डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इन विच इट विल फ्लोट। अगर ये जो स्फेयर है अगर इसको किसी लिक्विड में डुबा दिया जाए, है ना, किसी लिक्विड में डुबा दिया जाएगा इसको, तो ये फ्लोट करना चाहिए। फ्लोट तब करेगा जब इस सॉलिड स्फेयर का वेट बायंसी फोर्स के इक्वल हो जाए तो ये फ्लोट करने लगेगा, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस सॉलिड स्फेयर का मास निकालना होगा। मास कैसे निकालेंगे, क्योंकि डेंसिटी वेरी कर रहा है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मास निकालने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, आर रेडियस का और डी आर थिकनेस का एक स्फेरिकल शेल लेते हैं, है ना। एक स्फेरिकल शेल है जिसका थिकनेस डी आर है, पहले इसका मास निकालेंगे, फिर ऐसे बहुत सारे स्फेरिकल शेल लेकर के उनका मास निकाल करके ऐड करेंगे। ऐड करने का काम इंटीग्रेशन करेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट्री शेल लिया है पहले इसका मास निकालेंगे, इसका मास निकालेंगे डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 4 πr² इसका सरफेस एरिया होगा और थिकनेस डी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा कह सकते हैं कि डी आर थिकनेस का एक पतला सा लेयर है, तो लेयर का एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम बताएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ये बताएगा इसका मास। हालांकि जो डेंसिटी है ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, ये दिया गया है रो नॉट 1 - r² / r² इंटू 4 πr² डी आर। ये मास हो गया इस छोटे से स्फेरिकल शेल का। अगर हमें पूरे स्फेयर का मास निकालना हो तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो एम इज इक्वल टू रो नॉट 4 π, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म इसको बाहर करते हैं, बाकी क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा r² dr - r⁴ dr / r³। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से R तक, है ना। ऐसा शेल 0 रेडियस से लेकर के R रेडियस तक ऐसे शेल लेने पड़ेंगे, सबका मास निकाल करके जोड़ना है ना। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं रो नॉट 4 π, r² का इंटीग्रेशन होता है r³/3, लिमिट रखने के बाद आएगा r³/3, है ना, माइनस ये r⁴ का इंटीग्रेशन आता है r⁵/5, लिमिट रख देंगे तो आएगा कैपिटल r⁵/5, ये हो जाएगा। तो इसमें से रो नॉट 4 π r³ ये बाहर कॉमन लेते हैं तो बचेगा 1/3 - 1/5, है ना। तो ये हो गया रो नॉट 4 π r³। इसमें एलसीएम लेंगे, है ना, तो ये आएगा 2/15, है ना, 2/15। तो ये तो आ गया मास किसका, स्फेयर का। स्फेयर का मास ये हो गया। अच्छा, बायंसी फोर्स कितना लगेगा इस पर, अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड है रो एल, ये लिक्विड की डेंसिटी है, और जितना इसका वॉल्यूम है स्फेयर का उतना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ होगा, तो डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम कितना हो गया, 4 3 π r³। जितना इस स्फेयर का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा, है ना। तो इतना इंटू जी, ये हो गया बायंसी फोर्स। ये बायंसी फोर्स इस एम जी के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इक्वेट करके देखते हैं, एम जी इज इक्वल टू बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स आया है रो एल 4/3 πr³ इंटू जी।
मास हमने इंटीग्रेट करके लाया है, ये आया है रो नॉट इंटू 4πr³ इंटू 2/15 है ना, ये मास आया है इंटू जी भी करेंगे इज इक्वल टू रो एल 4/3πr³ इंटू जी। तो देखेंगे 4πr³ यहाँ भी है, 4πr³ यहाँ भी है ना। अच्छा ये जो 3 है उससे इस 15 को कैंसिल करेंगे, नीचे आएगा 5, ये जी और जी कैंसिल हो गया, तो रो एल का जो वैल्यू आया ये आया 2/5 इंटू रो नॉट है ना। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो होना चाहिए 2/5 रो नॉट। और देखेंगे ये जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर इतना ही डेंसिटी बताया गया है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।